राजस्थान में भीषण गर्मी गजब सितम ढा रही है। हालात ये है कि लगातार बढ़ रहे तापमान के कारण अब मरुधरा के बालू रेत के टीले इतने गर्म हो गए हैं कि उन पर पापड़ भी आसानी से सेका जा सकता है। ये केवल कल्पना नहीं है बल्कि वास्तविकता है। पश्चिमी राजस्थान में 45 से 47 डिग्री के तापमान के बीच भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर सुरक्षा मोर्चे पर डटे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने बालू रेत में पापड़ सेक कर दिखाए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीएसएफ के ये जवान किन परिस्थितियों में देश की सुरक्षा के लिए मोर्चे पर डटे हैं। सूर्य देव के तीखे तेवरों के कारण धधक रही बालू रेत पर पापड़ सेकने का ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। कड़ी धूप के कारण गर्म हुई बालू रेत पर पापड़ सेकने का भी वीडियो बीकानेर जिले में सामने आया है। बीकानेर जिले में भारत पाकिस्तान बॉर्डर इलाके से ये चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। इस वीडियो में बीकानेर जिले के बज्जू इलाके में बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवान तपती रेत के अंदर कुछ देर के लिए पापड़ रखे हैं। देखते ही देखते वो पापड़ पूरी तरह से सिक गए। बीएसएफ के जवानों ने इसका बाकायदा वीडियो भी बनाया। इसके पहले चुरू जिले में भीषण गर्मी के दौरान रेत के टीलों के बीच बिना आग के ऑमलेट बनाया जा चुका है। वीडियो में बीएसएफ के जवानों ने अपनी हथेली पर उठाकर पूरा सिका हुआ पापड़ दिखाया। उसके बाद उन्होंने पापड़ को हाथ में लेकर उसका चूरमा बना दिया। इस वीडियो को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि चिलचिलाती धूप और गर्म रेत के बीच ये जवान किन परिस्थितियों का सामना करते हैं। इसके बावजूद उनके चेहरे पर तनिक भी शिकन नहीं नजर आती है। ये पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। हमारे देश की सीमा के प्रहरी सीमा सुरक्षा में डटकर गर्मी को मात दे रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान के इलाके में रेत के टीलों पर नंगे पांव रखना अंगारे पर रखने के बराबर है। बीकानेर जिले में बीते सप्ताह से औसतन तापमान 45 से 47 डिग्री के बीच बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के भी यही हालात हैं। हालांकि मौसम विभाग ने मंगलवार से मरुधरा के 10 जिलों में मौसम का बदलाव का पूर्वानुमान जारी किया है, लेकिन इसके बावजूद तपिश बरकरार है। ये कच्चे पापड़ को बिना आग के सेकने की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके हाथों में कच्चे पापड़ है। हमने इसको मिट्टी में ढक दिया है। अभी पापड़ों को दबा के रखा हुआ है। अभी देखते हैं पापड़ सिके या नहीं सिके। ये पापड़ पूरी तरह से सिक चुका है। ये पापड़ पूरी तरह से सिक चुके हैं, आप देख सकते हैं। मैं इनको तोड़ के दिखाता हूँ आपको, तो इससे पता लगता है कि गर्मी का प्रकोप कितना ज़्यादा है। तो गर्मी से राहत दिलाने के लिए जवानों की गर्मी में संसाधन जुटाने की जरूरत है।